सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का, जो भी भाई जुड़े हैं। एक और छोटा सा वीडियो वीर भाई के फार्म से ही लेके आ रहे हैं, और आज की वीडियो में एक शो क्वालिटी की जोटी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई के फार्म पे एक से एक शानदार मुर्रा के नगीने जो हैं वो खड़े हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो सामने आप जोटी देख पा रहे हैं, इस जोटी की जितनी भी ताजी ब्याई हुई की वीडियो हैं वो भी मैं आपको जरूर बीच बीच में चलाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो ये देखिए जी, मैं बता रहा था कि ओमवीर भाई के यहाँ से ये भैंस 6 दांत 24 किलो दूध तुल के आई थी, और इसका लगभग जो है अभी 1 महीना बाकी है। साथ में जो इसके बच्चा खड़ा है ये इसी का कटड़ा है जो अभी 11 महीने का है, और इसका फादर देखिए, आप आइडिया लगाइए 10 सेकंड तक, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका फादर कौन हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो पशुपालक भाई हैं वो जानते हैं कि जो है इस टाइप के बच्चे कौन सा बुल जो है वो देता है। बताना चाहूँगा, ये कोहिनूर का बेटा है, जो लक्ष्मी डेयरी फार्म पे कोहिनूर दन्नो का बेटा है, उसका ये बेटा है, 11 महीने का है, और 1 महीना जो है भैंस का अभी बाकी है बच्चा देने में। तो लगभग जो ये भैंस है लगभग 12 महीने में, एक हमारे हरियाणवी भाषा में एक कहावत है, बरस ब्यावड़ है, तो 12 महीने में जो बच्चा देती है उसको बरस ब्यावड़ जो है वो बोला जाता है। और ब्यूटी वाली भैंस है, मिल्क दूध के साथ साथ ब्यूटी बहुत कम पशुओं में मिलती है, लेकिन ये भैंस आप देख पाएंगे दूध के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। थनों का गैप, अडर की क्वालिटी लाजवाब है, बेजोड़ है, और 1 महीने बाद जब बच्चा देगी उस टाइम पे जो है कंपटीशन वगैरह भी लगभग सभी जो हैं आ जाएंगे, और जो मेले की तैयारी चलती है लगभग भाइयों की, तो उस टाइम पे भी अगर टाइम से ये बच्चा दे देगी तो आप इस भैंस को मेलों में भी देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। भैंस और माँ और बेटा दोनों, सभी जो भी भाई जुड़े हैं लास्ट तक, सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार।